देखिए, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है जो लागू हो रही है, और मैं आपको छोटे से अगर दूं क्या क्या फायदे हमें इससे होंगे। जी जी। सबसे पहले जो व्यापारियों को प्रॉब्लम आती थी, जैसे इंडस्ट्रीज में आती थी, वो इंटरस्टेट जो बिजनेस करते थे उसमें सी फॉर्म एक लागू होता था, और सी फॉर्म को जो जमा करना होता था जब उसका असेसमेंट होता था, तब तक अगर मान लिया कोई व्यापारी अपना सी फॉर्म नहीं ले पाता है कहीं से, तो उसको उन 2 साल का ब्याज के समेत वो चुकाना पड़ता था, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी व्यापारियों के सामने। तो सबसे पहले तो सी फॉर्म से हमें निजात मिल जाएगी, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है जी। अगर और पॉजिटिव देखें तो इसमें ये भी देखिए प्रावधान, अब आप देखिए जो टैक्स हम जमा करते थे, जो एक्साइज ड्यूटी जमा करते थे, वो 5 तारीख को जमा करते थे, अब हमें 20 को जमा करनी है, तो 20 को जमा करनी है तो वो हमें 15 दिन का उधर ग्रेस मिल गया, क्योंकि जब हम 30 तारीख तक सारी बिलिंग करते थे तो इमीडिएटली हमारे ऊपर वजन आ जाता था कि जो चीज़ हमने 30 तारीख को दी है, हमें जो क्रेडिट देते हैं वो पार्टी 15 दिन बाद या 1 महीने बाद पेमेंट देती है, और हमें इमीडिएटली उसका टैक्स देना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो हमें डिपार्टमेंट के चक्कर हर छोटी छोटी चीज़ के लिए लगाने पड़ते थे, जब ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो इसमें बहुत उम्मीद ये है कि हमें इस चीज़ से बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा, कि हम हर छोटी मोटी चीज़ के लिए जब विभाग में जाते हैं और वहाँ पे हर किसी को पता है विभाग में क्या होता है, हर छोटी मोटी चीज़ के लिए उत्पीड़न भी होता है, मिसगाइड भी किया जाता है, तो बहुत बड़ी समस्या ही आती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब किसी चीज़ को भेजते थे तो बहुत सारे जैसे फॉर्म्स वगैरह थे, हालांकि अभी उस पर कोई क्लियरिटी आनी बाकी है कि हमारा ये अभी ई बिलिंग का और जो इंटर स्टेट जैसे हम फॉर्म्स होते थे ये होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पहले तो था ऐसा कि भाई कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कोई चीज़ हमें देनी पड़ेगी, पर अभी तक इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, जिसके बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि भाई जब तक नहीं कोई चीज़ हो रही है तब तक आप ऐसे भेजें, IGST लगाएं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजें, तो सिंप्लीफिकेशन चीज़ों का बहुत है। और देखिए, अगर कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो पहले दिन से परफेक्शन की उम्मीद करना कि आप आज ही चीज हुई है और आज सोचें बिल्कुल सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, ये प्रैक्टिकली किसी भी लाइन में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको सरकार अगर पॉजिटिव माइंड से देख रही है, व्यवहारिक कमियां आएंगी, वो व्यवहारिक कमियों को धीरे धीरे दूर किया जाएगा, एज लॉन्ग एज हम अगर ये व्यापारी वर्ग ये उम्मीद सरकार से करे और सरकार हमें ये सपोर्ट करे कि हाँ जी आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसे हम सकारात्मक रूप से देखेंगे, और जब आपकी कोई इस तरह की समस्या, सरकार भी ये नहीं कि आउटराइट किसी चीज को खत्म कर दे, वो सकारात्मक रूप से चीजों को देखे, व्यवहारिक समस्याओं को आने वाले समय में धीरे धीरे दूर कर लिया जाएगा। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 चीजों से लेके हुई है, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि जो हमें प्रोपेगंडा किया गया कि आपको जेल का प्रावधान वो हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा, जैसे जाने बिल्कुल सरकारी अधिकारी जो है बिल्कुल हथकड़ी लेके व्यापारियों के पीछे खड़ा हुआ है कि आज ही आपका दिक्कत करो और आज ही करो, हर चीज का प्रोसीजर है, अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो आपको उस चीज का चांस मिलता है कि भाई आप उसको अपील कर सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो आप धीरे धीरे वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। अब इसको 37 रिटर्न, मैं क्षमा चाहूंगा सर, इस ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में बहुत गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि ये 37 रिटर्न का जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ आपने जो भी चीज आप अब तक क्या हम करते नहीं है, एक्सेल में आप बनाइए सिंपल से रूप में, आपने जो बिल आपने सेल के किए हुए हैं उसे आप अपलोड कर दीजिए, अब दूसरा जिसने आपसे माल परचेज किया है वो आपके बिलों को चेक कर लेगा कि हाँ भाई इसने ठीक किया था या नहीं किया था, अगर कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी है आपने जो परचेज किया वो आपका आ जाएगा, दोनों को मिला लीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत हुई तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपग्रेड हो जाएंगी, जो कुछ डिफरेंस आ गया वो आप 20 तारीख को चेक जमा कर दीजिए,